हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे पास वीवो का Y75 5G स्मार्टफोन आ गया। आज हम करने वाले इसके अनबॉक्स है, साथ ही दोस्तों इसके कैमरे से मैंने कुछ फोटोज और वीडियोस निकाले, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, अपने स्मार्टफोन को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको ये वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। और चैनल पर भी पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बॉक्स के ऊपर वीवो Y75G लिखा हुआ देखने को मिलता है। पीछे के साइड इसको आपको हाईलाइट फीचर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, कर लेते हैं बॉक्स को ओपन। तो दोस्तों, फटाफट से हमारा बॉक्स ओपन हो गया है। सबसे पहले आपको इसके अंदर और एक बॉक्स देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसके अंदर ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलता है। इसके बाद आपको इसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट केस देखने को मिलता है, ये भी आपको अच्छे क्वालिटी का केस देखने को मिलता है। इसके बाद देखने को मिलता है स्मार्टफोन, इसको रख देते हैं साइड में। इसके बाद इसके अंदर आपको देखने को मिलता है ये 18 वॉट का फास्ट एडाप्टर, इसको रख देते हैं। इसके बाद इसके अंदर देखने को मिलता है ये टाइप सी केबल। इसके बाद दोस्तों, इसके अंदर देखने को मिलते हैं आपको एयरफोन्स। इसके बाद और ये सिम इजेक्टर टूल। तो दोस्तों, इन सबको रख देते हैं साइड में और देखते हैं स्मार्टफोन को। तो दोस्तों, स्मार्टफोन को रैपर से बाहर निकालते हैं। दोस्तों, लुक एट दिस स्मार्टफोन। ये जो स्मार्टफोन है वो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ये काफ़ी स्टाइलिश स्मार्टफोन है। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके पोर्ट्स और बटन की तरफ। तो दोस्तों, नीचे से आपको 3.5mm जैक, माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट और स्पीकर देखने को मिलता है। इस साइड में आपको पावर ऑन ऑफ की और वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन और फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। ऊपर के साइड आपको सिम कार्ड ट्रे और माइक्रोफोन देखने को मिलता है। इस साइड में आपको प्लेन डिज़ाइन देखने को मिलती है। दोस्तों, इसकी जो डिज़ाइन है मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। तो दोस्तों, स्मार्टफोन को कवर के अंदर लगाते हैं। दोस्तों, इसके अंदर भी स्मार्टफोन आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। और दोस्तों, ये जो हाथ में एकदम काफ़ी फिट स्मार्टफोन बैठता है। तो दोस्तों, इसके अंदर डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसका जो डिस्प्ले वो आपको 6.58 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोस्तों, 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसका जो डिस्प्ले वो आपको काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसमें कैमरे की कभी बात करते तो इसके रियल साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल की माइक्रो लेंस। और दोस्तों, फ्रंट में फोटोज़ और वीडियोज लेने के लिए 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी हुई है। दोस्तों, इसके कैमरे से मैंने जो फोटोज़ और वीडियोज निकाले वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ। आपने इसके फोटोज़ और वीडियोस देखे होंगे, ये आपको नॉर्मली अच्छी क्वालिटी के देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसमें परफॉर्मेंस की कभी बात करते हैं तो इसके अंदर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 का 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसमें बैटरी की कभी बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 5000 mAh की बिग बैटरी देखने को मिलती है। साथ ही इसके अंदर 18W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। इसमें OS की कभी बात करते हैं तो इसमें आपको फनटच OS 12 मिलता है, जो कि बेस है एंड्रॉयड 12 पे। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। इसमें प्राइस और वेरिएंट की कभी बात करते तो इसके अंदर आपको 8GB की रैम और 128GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। और दोस्तों, आप इसके अंदर 4GB रैम और एक्सटेंडेड करवा सकते हो। इसकी प्राइस की कभी बात करते तो इसकी प्राइस आपको 22,000 देखने को मिलती है।
वैसे तो दोस्तों ऑल ओवर जो स्मार्टफोन है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, पर दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इसकी जो प्राइस है वो आपको काफ़ी हाई देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों ये सारे स्पेसिफिकेशन आपको मार्केट में कम प्राइस में देखने को मिल जाते हैं। पर दोस्तों इसके अंदर मुझे पर्सनली दो चीज़ें अच्छी लगी, जो कि है इसकी डिज़ाइन वो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव और प्रीमियम देखने को मिलती है, और जो दूसरा जो है वो है इसका कैमरा। तो दोस्तों आपका कभी नॉर्मल यूज़ है तो आप ये स्मार्टफोन को ले सकते हो, नहीं तो दोस्तों आपको ये प्राइस रेंज के अंदर मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आपको Vivo Y75 5G स्मार्टफोन के बारे में क्या लगता है आप कमेंट्स करके जरूर बताइए, और दोस्तों वीडियो का भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहते। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।